इसके नटराज की मूर्ति, नटराज 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 का काम क्या, नटराज इज डांसर, सबको पता है डांसर, ठीक। नटराज की मूर्ति डांसर, एक डांसर कहेगा एक प्रकार का कला, एक कला, ऐसी कला जिसके अंदर परफेक्शन का लेवल हाईएस्ट है, परफेक्शन का लेवल हाईएस्ट है। तो डांसर की मूर्ति यहाँ पे दो प्रकार से यूज होती है, एक तो ये गुरु को समर्पित भी होती है, डांस गुरु को समर्पित भी होता है, दूसरा इसके अंदर एक निपुणता है, कला है जो फोकस्ड है, जो डेडिकेशन है, ऐसी डेडिकेशन, ऐसी फोकस और गुरु को अर्पित ऐसी चीज नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों जगह पे डांसर यानी कि नटराज की हम प्रतिमा को लगा सकते हैं। नटराज की जो प्रतिमा होती है, अगर वो आप मतलब प्रतिमा इसी स्टैचू की शेप के अंदर, तो वो टेबल पे रख सकते हैं, अगर कोई हैंगिंग टाइप है तो उसको वॉल पे लगा सकते हैं, हैंगिंग टाइप है तो, ठीक है। इसके अंदर अगर हम जब नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, जब भी हम इन डायरेक्शन को एक्टिवेट करें तो हमारे को अपनी नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट इन डायरेक्शन को भी एक्टिवेट करें। जब डायगनल डायरेक्शन को एक्टिवेट करें तो डायगनल की बाकी जो डायरेक्शन दो बचती हैं, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, उन डायरेक्शन को भी बैलेंस आउट जरूर करें साथ में। और डांसर का इसका जो नटराज, नटराज का जो प्लैनेट है, दैट आई टू चेक, मैं चेक करके आपको बताऊंगा नटराज का जो प्लैनेट बनेगा। नटराज के अंदर वो दृढ़ता भी है, वो शक्ति भी है जो एलिमेंट उसको ग्राउंडिंग करती है, दूसरा वो हवा भी है क्योंकि हवा की तरह उसके अंदर फुर्ती भी है नटराज।